Motor units इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है मोटर यूनिट्स के बारे में हमने देखना है कि मोटर यूनिट्स की क्या डेफिनेशन होती है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं हमने समेसन और टेटनेस के बारे में देखना है तो ये हमारी इस वीडियो के जो है वो आउटलाइंस हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोटर यूनिट तो बेसिकली मोटली मोटर यूनिट्स किसको कहते हैं मोटर यूनिट जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है ये ऐसे यूनिट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के किसके अंदर मोटर फंक्शंस के लिए यानी हमारी बॉडी को मोटर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इन इनकी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है अब हमारी बॉडी में जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है हमारे स्केलेटल मसल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अब उन स्केलेटल मसल्स के स्केलेटल मसल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अब वो फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी मूवमेंट परफॉर्म होती है अब फाइबर्स खुद ब खुद हर वक्त तो अब ख़ुद ब खुद तो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते तो जब हमारे मसल्स ने कांटेक्ट करना होता है तो हमारी ब्रेन से नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल लेके आ रही होती हैं नर्व्स में क्या होते हैं न्यूरॉन्स अब वो न्यूरॉन्स जब हमारे मसल्स के ऊपर सप्लाई लेके आती हैं हमारे ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं तो उसी रिस्पॉन्स में हमारे मसल्स क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब उसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो हमारे पास वहाँ पर आते हैं मोटर यूनिट्स हमारे तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटर यूनिट्स की सिंगल मोटर न्यूरोन एंड ऑल फाइबर्स इनोवेटेड बाय इट इज़ कॉल्ड मोटर यूनिट्स अब इस बात का क्या मतलब है अब हमें पता है हमारे पास हमारे पास जो मसल्स होते हैं हमारे उसके अंदर क्या होते हैं मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अब मसल्स को जब कॉन्ट्रेक्शन करनी होती है तो क्या आती है नर्वस प्लाई यानी सिग्नल आता है जब ब्रेन से कि कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो हमारे पास नर्व्स आती हैं नर्व्स क्या होती हैं कलेक्शन होती है ना बेसिकली न्यूरोस की तो न्यूरोन अब एक सिंगल न्यूरोन जितने नंबर ऑफ़ फ़ाइबर्स को यहाँ पे इनोवेट करेगा यानी फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पे टेन फाइबर्स को इनोवेट किया है तो ये जो टेन फाइबर्स हैं एक सिंगल न्यूरॉन के साथ जो जिसको जो सप्लाई हो रही है उसको हम नाम देते हैं क्या मोटर यूनिट का नाम देते हैं अब हमारे पास होता क्या है अब एक new, जो हमारे पास नर्व होती है सपोज दैट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास सेल बॉडी होती है और हमारे पास एक्जोन होता है जो जाके जो है ना वो एंड uh, टर्मिनल के ऊपर जाके सप्लाई करता है अब सपोज दैट कि एक न्यूरोन जो है वो कितने फाइबर्स को कर रहा है हंड्रेड फाइबर्स को जो है ना वो एक टाइम पे जो है ना सप्लाई दे रहा है मसल के अब होता क्या है न्यूरॉन के अंदर से क्या निकल रहे होते हैं एक्जोन जिन्होंने जाके एंड प्लेट पे यानी जिस इसका मोटर एंड प्लेट होती है ठीक है वहाँ पे जाके हमारे पास क्या हो रही होती है एक्शन प्रोटेक्शन वहाँ पर वो काम कर रहा होता है अब एक न्यूरोन के अंदर से जब एक एक्जोन निकलता है तो वो एक्जोन फर्दर सब डिवाइड होता है तो जितनी उसकी डिवीजन होती हैं तो एक सिंगल डिवीजन जो थी ना एक फाइबर को कर रही है ठीक है अगर हमने ये बात कही कि एक न्यूरॉन जो है हंड्रेड फाइबर्स को कर रहा है तो इसमें होता क्या है कि एग्जोन फर्दर सब डिवाइड्स होगा हंड्रेड स्मॉल सब डिवीजन के अंदर फिर हर एक सिंगल जो ड़ सब डिवीजन होती है वो मसल के फ़ाइबर को एक फ़ाइबर को कर रही होती है यानी इसका मतलब यह है कि हर सिंगल फाइबर जो होता है वो क्या रिसीव कर रहा होता है हर एग्ज़ोन के जो है ना वो डिवीजन से अपना मोटर एंड प्लेट वहाँ पर होती है हर फाइबर के पास ठीक है तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मोटर यूनिट्स क्या होती हैं और मतलब किस तरह से जो है ना ये ना फाइबर्स के साथ सप्लाई हो रही होती है तो डेफिनेशन हमने देख ली अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटर यूनिट्स अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस के कितने नंबर ऑफ़ फाइबर्स को जो है एक न्यूरोन जो है वो इनरवेट कर रहा है उसके बेसिस पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं एक होते हैं हमारे पास स्मॉल यूनिट्स स्मॉल मोटर यूनिट्स और इस तरह हमारे पास होते हैं जी लार्ज मोटर यूनिट्स अब स्मॉल मोटर यूनिट्स आप कह लो कि जो लेस देन फाइबर्स को एक टाइम पे जो न्यूरोन सप्लाई करा हो स्मॉल में आता है और जब नियरली टू थाउजेंड जब नंबर ऑफ फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है एक सिंगल न्यूरॉन तो वो हमारे पास क्या होता है लार्ज मोटर यूनिट्स होते हैं अब स्मॉल मोटर यूनिट्स की एग्जांपल क्या होता है स्मॉल मोटर यूनिट्स तब वहां पर काम कर रहे थे जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट रिक्वायर होती हैं अब जैसे हमारी आई बॉल की मूवमेंट्स होती हैं हमारी आई के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी फिंगर्स की मूवमेंट होती हैं हमारी फिंगर्स के अंदर छोटे छोटे जो है ना वो मसल्स लगे होते हैं ठीक है आपने एनेटमी में पढ़े होंगे हमारे मसल्स ऑफ द हैंड के अंदर तो वो मसल्स के अंदर क्या होते हैं फाइबर्स होते हैं जिनको छोटे छोटे यूनिट्स थोड़े थोड़े नंबर ऑफ फाइबर्स पर क्या कर रहे होते हैं इनोवेट कर रहे होते हैं और वो मिलकर एक प्रिसाइजी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है ना उधर क्या होते हैं स्मॉल यूनिट्स होते हैं अब जहाँ पर हमारे पास ग्रोस मूवमेंट रिक्वायर होती है अब जैसे हमारा जो गेस्ट्रोकनीमियस मसल है ठीक है तो इस तरह की के मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं जी लार्ज मोटर यूनिट्स होते हैं समझ लगी अब हमने देख लिया डेफिनेशन क्या होती है हमने देख ली उसकी टाइप्स अब हमारे पास ना पहले तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ फाइबर्स जितने इनोवेट हो रहे थे अब ना जो मोटर यूनिट्स होते हैं ना इनके अंदर कौन से टाइप का सेल है अब दो तरह के सेल्स होते हैं एक ट्विच मैनर के होते हैं नी ट्विच टाइप होते हैं

तो तब जाके जो है ना वो ना अपना आगे एक्शन पोटेंशियल उनके अंदर जनरेट होता है जब हम फर्दर मसल फाइबर्स की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ए, ये ट्विच टाइप फास्ट वो फाइबर्स की बात करेंगे हम उसके अंदर तो उसके अंदर भी आप लोगों के ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अच्छा अब हमने बात की अब जो तो ट्विच होते हैं ना इसमें फर्दर ना दो चीज़ें आती हैं अब कुछ हमारे पास होते हैं ना वो इस तरह से काम करते हैं किस तरह का उनका फैशन होता है क्या क्या है कि एक सिंगल स्टिमुलस आया जैसे ही वो मसल फाइबर को स्टिमुलस मिला एक सिंगल ठीक है तो वो फोरी जो होती है ना अपनी पीक पे पहुंच जाता है यानी टेंशन टेंशन पीक टेंशन जो होती है ना डेवलप कर लेती है और इमीजिएटली टेंशन जो होती है ना वो डिक्लाइन भी कर जाती है ठीक है अब इस तरह एक और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि कि सपोज दैट एक स्टिमुलस आया है उसने स्लो स्लो जो है ना वो इतना सा उसने जो है ना वो टेंशन डिवेल्प की अब फर्दर और स्टिमुलस आ गया उसने और डिवेल्प की फिर एक और स्टिमुलस आ गया उसने और डिवेल्प की फिर एक और स्टिमुलस आ गया उसने यानी फिर जब तक वो पीक पे नहीं जाता ना तो जैसे स्टिमुलस आते रहते हैं वो पीक तक जाता है और फिर फिर इसको कहते हैं सममेशन यानी कि एडिशन हो जाना सम होता है ना सम यानी पहले से एक हमारे पास जो है वो आ, टेंशन डेवलप हुई है एक और स्टिमुलस आ गया तो उसके अंदर मज़ीद टेंशन ऐड हो गई इस तरह इस तरह इस तरह करते हुए वो अपने पीक वैल्यू पे पहुंचता हैं अगर मज़ीद वहाँ पे हमारे पास जो होता है ना वो स्टिमुलस आते रहते हैं तो वो एक जो होती है ना एक उस टेंशन को सस्टेन कर लेता है ठीक है अब जब मैक्सिमम टेंशन जो होती है अचीव हो जाती है तो उसको कुछ देर के लिए जब सस्टेन कर लिया जाता है ना तो जब सस्टेन हो जाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनेस अब जब टेटनेस की कंडीशन काफ़ी देर तक रहती है तुम्हारे तो मसल कितर चले जाते हैं फटीक में जब वो फटीक में चले जाते हैं तो फिर आहिस्ता से टेंशन जो होती है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है कर रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ टोनिक टाइप होते हैं ना इनको ऐसे नहीं करते यानी एक स्टिमुलस आया तो ये थोड़ी सी टेंशन डेवलप नहीं जब तक इनफ जो है ना वो थ्रेश नहीं पूरा होगा यानी जब तक मैक्सिमम स्टिमुलस नहीं आएगा जितना उसको रिक्वायर है तो तब तक वो कुछ भी टेंशन जो है वो डिवेल्प नहीं करेगा जब नंबर ऑफ ज्यादा स्टिमुलस आएंगे मोर देन वन स्टिमुलस तो जब इसका थ्रेशोल्ड लेवल कंप्लीट होगा तो तब ये अपने अंदर क्या करेगा टेंशन को डिवेल्प करेगा ठीक है तो ये होप्पस हो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ना जितने भी छोटे चोड़ छोटे ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको समझ आ गए होंगे हम थोड़ा सा जो है ना इसका रिविजन ले, ले लेते हैं हमने देखा मोटर यूनिट्स किसको कहते हैं फिर हमने इसकी देखी टाइप्स ठीक है टाइप्स में हमने पहले बात की कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स को कर सॉरी नंबर ऑफ़ फाइबर्स को करेगा तो हम उसको लार्ज मोटर यूनिट्स कहेंगे अगर वो स्मॉल नंबर ऑफ फ़ाइबर्स को इनोवेट करेगा तो हम उसको स्मॉल फाइबर्स कहेंगे स्मॉल मोटर यूनिट्स कहेंगे ठीक है फिर हमने देखा कि जी ट्विच टाइप सेल्स होते हैं फिर उसमें हमने फर्दर दो चीज़ें देखी समेशन की डेफिनेशन को भी समेशन को देखा क्या होता है टाइटनेस क्या होता है फिर हमने टॉनिक की बात की इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा तो बस यही आप लोगों ने छोटे छोड़ छोटे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक है जो कि कवर हो गया है मोटर यूनिट्स का अब फर्दर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी